IMA का खुद का हाउस ये पूरे हरियाणा में अगर आपने देखा हो तो बता दो नहीं है नहीं है 10 वर्ष उठते हो प्लीज मतलब मैं of Indian Medical Association, which is the largest representative organization of the modern medicine doctors in this country. We are always striving for providing affordable, accessible, accountable healthcare for all citizens of this country. Unfortunately, the various policies of governments have created havoc with the healthcare delivery system. This National Medical Commission Bill, which is non-representative, undemocratic, anti-student, anti-federal, which is going to promote corruption, which is going to promote crosspathy and mixopathy, Indian Medical Association is strongly opposing it. Since 25th February, we are on a mass contact program through our IMA Bharat Yatra, which will culminate in a doctor's Maha Panchayat in New Delhi on 25th of March, where more than 20-25 doctor representatives representing the entire medical fraternity of this country will deliberate, discuss and decide upon. Indian Medical Association ये modern medicine doctors का भारत का सबसे बड़ा संगठन है. हमारे 3 लाख direct सदस्य हैं और Federation of Medical Associations के द्वारा और 4 लाख indirect सदस्य हैं. पूरे भारतवर्ष में हमारे करीबन 2000 लोकल ब्रांचेस लोकल शाखाएं हैं और सभी 31 राज्य शाखाएं हैं. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों के हित के द्वारा समाज का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे और जो नीतियां सरकार बनाती है वो इस तरह से बने जिससे कि आम आदमी की स्वास्थ्य या चिकित्सा सेवा पे बुरा असर ना पड़े. लेकिन बड़ा खेद होता है कि पिछले कुछ सालों में सरकार की नीतियों की वजह से जो नीति जागतिकीकरण और अंधाधुंध निजीकरण की ओर स्वास्थ्य सेवाओं को ले जा रही है उसी में एक कड़ी ये नेशनल मेडिकल कमीशन बिल है जो पूरे वैद्यकीय शिक्षा का निजीकरण करने जा रहा है. ये राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन बिल ये पूरी तरह एक जनविरोधी कानून है. ये एक अलोकतांत्रिक कानून है. ये राज्य सरकारों का हनन करने वाला कानून है. ये एक छात्र विरोधी कानून है. ये कानून जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला कानून है. ये चिकित्सा आम आदमी को महंगी करने वाला कानून है. ये वैद्यकीय शिक्षा का स्तर घटाने वाला कानून है. ये वैद्यकीय शिक्षा महंगी करने वाला कानून है और जो वैद्यकीय सेवाएं स्वास्थ्य सेवा है आज इस देश में चल रही है ये क्रॉसपैथी और ब्रिज कोर्स लाकर इसे पूरी तरह चरमरा देने वाला कानून है. इसलिए जनता का हित देखते हुए छात्रों का हित देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस कानून का पुरजोर विरोध कर रही है. जैसे ही ये कानून 29 दिसंबर को लोकसभा में रखा गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 2 जनवरी को 12 घंटे का मेडिकल बंद का ऐलान किया. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 25 फरवरी से 1 महीने का पूरा हमारा जन जागृति अभियान चला रही है. 12 मार्च से भारत के 4 कोनों से हमारे डॉक्टर साइकिल यात्रा करते हुए साइकिल चलाते हुए एक कन्याकुमारी से एक बम्बई से एक कलकत्ता से और एक कल हम अमृतसर से फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं. ये पूरे लोग साइकिल करते हुए दिल्ली पहुंचेंगे महापंचायत के लिए. इन सभी यात्राओं का समापन 25 मार्च को इंदिरा गांधी स्टेडियम यहाँ डॉक्टरों की सबसे बड़ी महापंचायत हमने बुलाई है और इस महापंचायत में हम इन सभी बिंदुओं पे जो रिपोर्ट आई है और हमारे जो प्रलंबित विषय केंद्र सरकार के पास है उन सभी बिंदुओं पे चर्चा होगी और आगे की रणनीति आगे की आंदोलन की दशा और दिशा महापंचायत तय करेगी. तो ये जो NMC बिल है इसमें ऐसे प्रावधान है कि जैसे कैपिटेशन फी की सीट
15% से बढ़ा के 60% की जाए। अलोकतांत्रिक इसलिए कहते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके सब मेंबर्स केंद्र सरकार नमोनित करेगी, डॉक्टरों का प्रतिनिधि, स्टूडेंट्स का प्रतिनिधि, जो लोग 30-30 साल से मेडिकल टीचर्स है उनका प्रतिनिधि, मेडिकल यूनिवर्सिटीज का प्रतिनिधि, जो आज एग्जाम्स ले रहे हैं MBBS की, उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार खुद के लोगों को नमोनित करने जा रही है। आज की व्यवस्था में हर राज्य के 3 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। एक राज्य सरकार एक डॉक्टर नमोनित करता है, दूसरा जो राज्य के सभी डॉक्टरों से एक बंदा चुना जाता है, और तीसरा राज्य के मेडिकल यूनिवर्सिटी से एक मेडिकल टीचर चुना जाता है। ये व्यवस्था नई NMC बिल में ये पूरी व्यवस्था खारिज हो गई है। इंडिविजुअल डॉक्टर जो है, डॉक्टर एज अ पर्सन, उसके ऊपर MCI का कोड ऑफ एथिक्स है, यानी उसके ऊपर कोई ना कोई बंधन है, लेकिन हॉस्पिटलों पे MCI का कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही ये नया NMC बिल हॉस्पिटलों पे कंट्रोल कर सक रहा है। दूसरी बात, जो दवाइयां बनाने वाली कंपनी है उसको कोई कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। फिर से मैं अमेरिका का उदाहरण दूंगा, वहां जैसे डॉक्टरों पे कोड ऑफ एथिक्स है, वैसे दवाइयां बनाने वाले कंपनियों पे कोड ऑफ एथिक्स है। I can assure you one thing, that all of us, we are doctors first, we've had our own time, the students who are coming in, the practitioners who are going to join us later, we are fighting for all those people. I may also tell you that in clinical establishment act, we were won the battle with only 50 beds, strong stand, and the doctors in the government side.